तो नमस्ते सभी को, गुड मॉर्निंग। तो एक बार मैं जस्ट ब्रीफली समअप कर देता हूँ, हम लोग ने कल क्या क्या बात की थी, फिर आपके असाइनमेंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हम लोग तृप्ति पूर्वक जीना चाहते हैं, यही हमारा लक्ष्य है, और इस तृप्ति पूर्वक जीने की निरंतरता भी चाह रहे हैं। तो इस तृप्ति पूर्वक जीने को अगर देखेंगे और अपने को देखेंगे तो तीन काम हमारे लिए हैं, तीन बातों को हमको समझना जरूरी है। एक तो स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व को, फिर जो समझ में आया है उसके अकॉर्डिंग भाव विचार करना, और परस्परता में सहअस्तित्व के अर्थ में व्यवहार कार्य व्यवस्था में भागीदारी। इन तीन बातों का हमको अभ्यास करना है, और इन तीन बातों को अभ्यास करने के लिए ही हम लोग ये अभ्यास 1 और 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से अभी हम लोग अभ्यास 1 पर बात कर रहे हैं मेनली। तो तृप्ति पूर्वक जीना है तो जीने के लिए समझना है, समझने के लिए देखना है, ध्यान देना है, और ध्यान देने जब जाएंगे तो ध्यान देने की जो वस्तु है वो मूलतः तीन चीजों पर हमको ध्यान देना है, तीन वास्तविकताओं पर हमको ध्यान देना है। तो एज ए चैतन्य इकाई मैं क्या हूँ, मेरे में क्या चल रहा है, ये मुझे समझ में आ जाए। जड़ इकाई को समझना है और सहअस्तित्व को समझना है, शून्य को समझना है। तो इन तीन वास्तविकताओं को हमको समझना है, क्योंकि हमारा जब एक्सपेंशन देखेंगे तो स्वयं से लेकर पूरे अस्तित्व सहअस्तित्व तक ही है। तो इन तीन वास्तविकताओं को समझने के अर्थ में हम लोग अभ्यास 1 स्टार्ट कर रहे हैं, और अभ्यास 1 जब स्टार्ट कर रहे हैं तो अभ्यास 1 का स्टेप 1 हम लोग देख रहे हैं कि स्वयं में अवेयरनेस हो जाए। तो स्वयं में अवेयरनेस के लिए स्वयं को देखना स्टार्ट हो जाए, स्वयं पर ध्यान चला जाए, इस पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो स्वयं के द्वारा स्वयं को देखना, अभी तक हम लोग स्वयं से बाहर को देख रहे थे, अब हम लोग स्वयं के द्वारा स्वयं को देखने की बात कर रहे हैं। और इस पर हम लोग ने डिस्कशन किया कि स्वयं को जब देख रहे हैं तो मुझे आंखों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं को मैं डायरेक्टली देख सकता हूँ, ये हम में पोटेंशियल है। तो हम लोग आंखों को यूज नहीं कर रहे हैं, उनको रिलैक्स कर सकते हैं। हम शरीर को भी यूज नहीं कर रहे हैं, शरीर को भी रिलैक्स कर सकते हैं। तो अपने को देखने का काम सीधे सीधे हम लोग कर सकते हैं, और इस पूरे प्रोसेस में देखेंगे तो एक बात वो भी है कि हमको क्या नहीं करना है। तो हमको अभी मूल्यांकन नहीं करना है, हमको प्रतिक्रिया नहीं करना है, उसको रोकने का प्रयास नहीं करना है, उसको बदलने का प्रयास नहीं करना है, जैसा चल रहा है वैसा चलते हुए देखना है। ये मूलतः हम लोग अभ्यास कर रहे हैं जी। तो हम सब ने अभ्यास किया होगा एज असाइनमेंट, जैसा दीदी ने कहा, तो हम लोग ने उसको बैठ के देखने का प्रयास किया होगा कल से आज तक, कई बार ध्यान गया होगा। तो इस प्रक्रिया में जो भी आपका ध्यान गया है ना, जो भी आप शेयर करना चाहते हैं, वहां से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं जी। जी भैया नमस्ते, आपका बहुत बहुत नमस्ते। और आपको सुनते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। आप हमारे साथ मॉर्निंग सेशन में जुड़ गए हैं। अभी मेरा प्रश्न जो है वो प्रश्न ये है कि पहला प्रश्न तो आपसे ये है कि जो हमारा पहला स्टेप है उसमें ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो उसका मूल्यांकन नहीं करना है, प्रतिक्रिया नहीं करना है, और उसको जैसा चल रहा है एज इट इज ही देखना है। जी भैया जी, तो देखिए, जी जब हम ये कह रहे हैं कि एज इट इज देखना है, जी तो हम ये बात कर रहे हैं कि हम दृष्टा की जगह पर जब होते हैं, यानी कि जी बी वन ब्लॉक की जगह पर जब होते हैं, तब जी जी हम चीजों को एज इट इज चलते हुए देख पाएंगे। जी अगर वहां पर हम नहीं है और चीजों जी को जी देख रहे हैं, तो देखते देखते जब हम इवेल्युएशन स्टार्ट कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी मान्यताएं, जो प्रीवियस हमारा एजम्पशंस हैं, उनसे हम जी उसको इवेल्युएट करना चालू कर देते हैं। जी और जब उससे इवेल्युएट करना चालू करते हैं,
और जो हमने पुरानी मान्यताएं रखी हुई हैं उसको भी हमने सही से एवेल्युएट नहीं किया है कि वो अस्तित्व के अर्थ में है कि नहीं, व्यवस्था के अर्थ में है कि नहीं, संबंध के अर्थ में है कि नहीं, जी। उसको भी हमने सही से एवेल्युएट नहीं किया है। और उस आधार पर अभी जो चल रहा है उसको एवेल्युएट करना चालू कर देते हैं, जी। है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस बन जाते हैं, हम या तो उसमें इंडल्ज हो जाएंगे या दूर भागने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। जी तो एक भैया, बार हम ये देख लें कि मेरे में इतना पोटेंशियल है कि नहीं, कि मैं चीजों को बिना इंटरप्ट किए चलते हुए देख सकता हूँ, तो एक बार जी। पहले उसे चलता हुआ देख ही लिया जाए कितना उसका इंटेंसिटी है ठीक से, एक बार उसे पूरा हो जाने दें। तो जब हम इस अभ्यास को करेंगे तो हम उससे बिना इन्फ्लुएंस हुए, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि बिना हम उसको इन्फ्लुएंस हुए उसको पूरी तरह से देख भी सकते हैं। जब ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब हम उसको इवेल्युएशन करेंगे आराम से बैठ के, अभी तो पूरा चलने भी नहीं देते हैं, बीच में पकड़ लेते हैं उसको, है तो ना। वही जो तो भैया आप पूछ रहे हैं, तो वही एक्चुअली वही चीज हो रहा था कि कहीं ना कहीं ये पिछले 9th बैच में ही कुमार भैया से हम पूछे थे कि भैया बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, उसको हम वो कर नहीं पा रहे हैं, तो भैया ध्यान दिलाए थे कि इसमें हमको जिम्मेदारी से वो उसको करना पड़ेगा। तो क्या हुआ था ना भैया, ये इस बैच में जब ये हमारा 10वां बैच शुरू हुआ है, तब जाकर के वो 3-4 दिन पहले मुझे ये चीज ध्यान गया कि हम ना कहीं ना कहीं अपने उसमें ये बैठा लिए थे ना, जो कल्पनाशीलता में जो अच्छा वाला चीज है ना, उसी को सिर्फ वो करना है, जिसमें कोई खराब भावना या वो अन्यथा जो कुछ भाव है उसको नहीं, मतलब उसको देखने का वो नहीं कर रहे। हालांकि कुछ कुछ कल्पनाशीलता में ऐसा भी चला जो आज से 20 साल पहले विद्यार्थी जीवन में बहुत प्रभावित उससे हो गया, अब उससे प्रभावित नहीं, अब चला तो चल गया, नहीं हुए, लेकिन वही चीज जो हम कर लिए थे ना, तो वो उसको बहुत जल्दी जल्दी स्केप कर रहे थे, तो वो चीज समझ में आया कि नहीं, हम अपने मन में कहीं ना कहीं बैठा हुए जो कल्पनाशीलता में जो सही वाला चीज है उसी को देखना है, उसको नहीं देखना है, तो बहुत जल्दी स्केप हो रहा था। ये चीज हमको इस बैच में आकर के समझ में आया, तो इसलिए हम आपसे ये चीज प्रश्न पूछ दीजिए, पहला ही अभ्यास में, जबकि इस विषय वस्तु में कहीं भी क्या करना है क्या नहीं करना है कहीं नहीं है, कहीं समीक्षा वो चीज नहीं है, इसलिए हम पूछ दिए कि ऐसा पहला ही स्टेप में क्यों हमें निर्देश दिया जा रहा है कि एज इट इज उसको चलने देना। जी भैया जी, अभी जो आप पहले बात कर रही थी कि बहुत तेजी से हम शिफ्ट होते रहते हैं, हाँ जी तो देखिए शिफ्टिंग बहुत तेजी से हो रही है ये बात तो ठीक है, लेकिन उस शिफ्टिंग को भी अवेयरनेस से मैं देख पाऊँ इसका भी पोटेंशियल हमारे में। जी बिल्कुल बिल्कुल भैया जी अभी क्या है वो शिफ्टिंग को भी हम पूरा होने नहीं देते हैं, बीच में कहीं और शिफ्ट कर जाते हैं, जी बिल्कुल और उसमें अभी ध्यान से देखेंगे तो वो शिफ्टिंग का मूलतः कारण तो यही रहता है कि हमको अभी इस बात की क्लियरिटी नहीं हो पा रही है कि हमारा सुख स्वभाव है या दबाव या प्रभाव है। बिल्कुल बिल्कुल भैया एक बिल्कुल तरह के दबाव से मुक्त होने के लिए दूसरे तरह के प्रभाव में चले जाते हैं, उसी हाँ प्रभाव में हम बने रहना चाहते हैं फिर। तो इसी को हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये भी एक तरह का रिएक्शन है कि इससे पीछा छूट जाए इसमें बने रहे, ये भी एक रिएक्शन है। तो अंततः तो हमारे में जो सही है जो सही नहीं है अभी वो दोनों को ही हमको ठीक से देखना है, जी बिल्कुल बिल्कुल भैया उसको पूरा देखेंगे तो उसको चलने दीजिए, देखिए कहाँ तक जाता है। जी बिल्कुल भैया जी जी ठीक बात है ना जी भैया। मैंने कल अपना कल्पनाशीलता को ऑब्जर्व करने का प्रयास किया था, और मैं पूरे ही दिन में अपनी कल्पनाशीलता को देख रही थी। तो पहले तो मैंने सोचा था कि आधा घंटे का करूंगी, पर कुछ देर करके, लेकिन मैं पूरे दिन ही कर रही थी, तो लगभग 60-70% टाइम्स तो मैं मेरी थॉट्स को कैच कर पा रही थी। तो मोस्टली तो या तो काम के बारे में थॉट्स थे या रैंडम थॉट्स थे, लेकिन एक आध दो जगह मैं अपने इरिटेशन को मैं कैच कर पाई थी। तो वो कैच करने के साथ ही वो थॉट प्रोसेस वो वहां बंद होकर के फिर वो मैं अपने वापस अपने काम में लग गई थी। तो मतलब उससे पहले जब कोई विरोध थोड़ा सा ज्यादा इंटेंसिटी पकड़ता था तो कैच होता था, और वो फिर कई देर तक रहता था जब तक कि उसको रिजॉल्व नहीं कर लो।
पर कल में ये हुआ कि वो बहुत ही माइन्यूटेस्ट लेवल पे भी वो भाव कैच हो गया था, जहां इरिटेशन का हो रहा था या जैसे कोई बात मुझे पसंद नहीं आ रही थी, तो मेरा भाव फिर बिल्कुल स्थिर और सही डायरेक्शन में चलता रहा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर मैं पूरे दिन ऑब्जर्व कर रही हूँ तो क्या आधा घंटा अलग से टाइम देना की आवश्यकता रहेगी, और ये प्रोसेस ठीक है क्या जो मैं अभी कर रही थी? तो दीदी देखेंगे तो हम निरंतर सुखी होना चाहते हैं, निरंतर तृप्ति पूर्वक जीना चाहते हैं, तो उसके लिए ध्यान तो हमको निरंतरता में ही देना है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। जीवन को अगर देखेंगे, चैतन्य निकाय को देखेंगे, तो चैतन्य निकाय में तो ये सब चल ही रहा है, वो दिन रात से डिपेंड नहीं कर रहा है, वो तो हमारे में जो बना हुआ है वही चल रहा है। तो शुरू करने के लिए ठीक है कि अभी हमने यहाँ से शुरू किया है, फिर उस टाइम पीरियड को हम बढ़ा सकते हैं, फिर ग्रेजुअली एवरी मोमेंट एवरी सेकेंड हमको ध्यान देना है उस पर। तो अभी हम आधे घंटे के प्रैक्टिस में अगर इतना देख पाए तो पूरे दिन के अभ्यास में भी हमको बहुत चीज़ें दिखेंगी। तो अभी क्या है, जितना भी देर आपने देखा है ना, ध्यान देना चालू किया है, तो आपको दिख रहा है कि उसमें चीज़ें चल रही हैं, और आपने उसको अवेयरनेस से देखना चालू किया तो आपको दिख रहा है कि जो प्रायोरिटी पर है वो चीज़ें इजिली दिख जाती हैं हमको। और अवेयरनेस आपकी जब बढ़ेगी देखने की, तो आपको दिखेगा कि इस जो प्रायोरिटी पे है वो तो है ही, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अनकॉन्शियसली हमने प्रायोरिटी में बना रखी हैं, वो भी दिखना चालू करें हो जाएंगी। और अवेयरनेस से जब आप इसको देखना चालू करेंगे तो ये जो विचार और कॉन्ट्राडिक्शन की आप बात कर रहे हैं उसके पीछे का भाव भी दिखेगा। भाव के लेवल पर जाकर उसको ना समझना, ये ज्यादा इजी है। तो ये तो अच्छा प्रोसेस है, अच्छा आपने स्टेप्स पर ध्यान दिया है, और यही एक प्रोसेस भी है कि हम धीरे धीरे देखेंगे तो पहले सरफेस लेवल की चीजें दिखाई देंगी, फिर तो और डेप्थ में दिखाई देगा, फिर जो हमको नहीं पता चल रहा है वो भी दिखाई देना चालू करेगा, इसके बाद उसके पीछे के भाव पर ध्यान जाएगा, है ना, और गहराई से देखेंगे उस भाव के पीछे मेरा क्या संस्कार है वो भी दिखेगा, और आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, हम सबकी अवेयरनेस बढ़ेगी, तो उस भाव के पीछे मेरा स्वभाव है ये भी हमको दिखाई देगा। तो वहां तक की हमको यात्रा करनी है ना, तो उसके जी लिए निरंतरता तो चाहिए अवेयरनेस की। जी भैया, जी भैया, जी बोलिए। धन्यवाद जी। नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया। नमस्ते कल दीदी। के ऑब्जर्वेशन में मेरा ये दिख रहा था मुझे कि जैसे आपने उदाहरण दिया, मेरे को शब्द तो कुछ भी नहीं आया। जैसे आपने एग्जांपल दिया था कि बस उसको खाली अब्जॉर्ब करना है, देखना है मतलब। तो जैसे एक सीन आ रहा था और वो चला जा रहा था, फिर दूसरा आ रहा था फिर चला जा रहा था, उसमें कोई प्रतिक्रिया तो मैंने नहीं किया उसमें, ना ही मैंने उसमें कोई ये आस्वादन वगैरह दिया। बिल्कुल स्थिर होके देखती रही उन चीजों को। एक आपने जैसे उदाहरण दिया, वो चीज मेरे साथ हो रहा था, जैसे कि पानी का वेव आ रहा था, मैं स्थिर खड़ी थी एकदम, उन चीजों को देख रही थी, जैसे लहरें आ रही थी और वो जा रही थी, ये चीज देख पा रही थी भैया। और दूसरा जैसे मैं देखी, फिर उस सीन से हटी तो कुछ लोग खड़े हुए, जो कि मैं ये देख पा रही थी उनके पीछे की भी भाव, कि वो मेरी हंसी उड़ा रहे, कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, और उनको भी मैं क्लियरली सुन रही थी कि वो क्या मतलब बात कर रहे हैं। बट मैंने उसमें भी कोई रिएक्शन नहीं दिया, कुछ नहीं किया, बस सीन को देखती रही। और भैया यही चलता रहा कल तो। और सारा दिन की बात करूं तो सारा दिन थोड़ा सा ऐसे सैड वाला मूड रहा, जैसे कि कुछ पुरानी जैसे बातें, मैं उसमें कुछ याद तो ऐसे नहीं कर रही थी, पर वो जैसे अंदर एक धुंध जैसा बना हुआ था। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आंख खोल के देखूं या बैठ के देखूं, इसमें मुझे कोई दिक्कत में नहीं लग रही थी। खोल के भी जैसे बैठी हूँ तो भी मुझे वो ठीक लग रहा था, आंख बंद करके अगर मुझको कर रही थी एनालाइज तो भी ठीक ही लग रहा था, कोई ऐसे मुझे दिक्कत नहीं हो रही थी। बट क्या है, जैसे शाम तक होते होते जैसे एक सैड मूड बन गया, और जो चीज चल रही थी अंदर वो, और वो अचानक से जैसे मेरी मदर का कॉल आ गया काफी सालों बाद, और थोड़ा सा जैसे वो एक ऐसा माहौल हो गया कि सैड वाला मूड हो गया। बस उसके बाद मैंने फटाफट उनसे बात बात करी, अभी तक वही चल रहा है कि मतलब वो सैडनेस वाला ही चल रहा है।
जी भैया, अभी मैं इतनी देख पाई। जी भैया, जी, तो अच्छा है अगर आप ये शेयर कर रहे हैं कि चीजें चल रही हैं और मैं उसको देख रही हूँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो देख रही हूँ, इसका क्वालिफिकेशन फिर ये है कि अब जो चल रहा है मैं उससे प्रभावित नहीं हूँगा, तो मैं देख रही हूँ। प्रभावित नहीं हुई मैं बिल्कुल भी। बस जी वो भी मतलब पीछे की भी उनकी जो बातें चल रही थी, भाव चल रहा था मेरे प्रति या जो भी, वो मैं बिल्कुल क्लियरली देख रही थी, पर मेरा इंटेंशन बिल्कुल खराब नहीं हो रहा था। बस जैसे एक सीन आया मैं देख रही थी, फिर आगे नेक्स्ट नेक्स्ट जैसे मैं ऐसे हो रहा था, बट वो उसके पीछे के भी भाव देख रही थी कि भाई हाँ ये लोग ऐसे जो और जैसे पीछे जैसे कहते हैं ना, संस्कार भी दिखने लग रही थी और क्यों ऐसे बातें कर रहे हैं। बट ठीक है, बट मैंने उसमें कोई भी मतलब प्रतिक्रिया कुछ भी नहीं करा, कोई रिएक्ट नहीं करा, कोई मैंने उसमें मूल्यांकन नहीं करा, बस सीन को देखती ही रही बस। जी, तो स्टेप वन में हम लोग इसी अभ्यास पे ही कर रहे हैं कि हमको सिर्फ ऑब्जर्व करना है ना। और कैसे पता चलेगा कि मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, तो उसका एक इंडिकेशन मुझे यही लगता है कि अब जो मैं देख रहा हूँ उससे प्रभावित नहीं हो रहा हूँ। तो कुछ सैड मूवमेंट भी अंदर चल रहा है उसको भी मैं चलने दे रहा हूँ, प्रभावित नहीं हो रहा हूँ। कुछ अच्छा मूवमेंट चल रहा है उससे भी मैं प्रभावित नहीं हो रहा हूँ, उसको भी चलने दे रहा हूँ, है ना। वो अगर ऐसा हो पा रहा जी है तो बहुत अच्छी बात है। भैया, वो शाम वाला जैसे सीन आना, जैसे बोलते ना है कि भाई अगर मैं सेल्फ को कैसे देख रहा हूँ या मेरा बॉडी जो रोल निभा रही है तो वो कैसे, तो बॉडी जो रिएक्ट कर रही है वो कर रही है, अपना रोल कर रही है, अपना सेल्फ का भी जो काम है वो अपना मतलब कर रही है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मैं अलग अलग करके कुछ देख रही हूँ, जैसे कंबाइंड ही, मतलब कोई ऐसे एक दूसरे का कोई ऑर्डर वाली भी नहीं बात हो रही है, बस चल रहा है रूटीन में जैसे चल रहा है, बहुत आराम से हो रहा है। पर वो सीन एकदम जैसे शाम आते आते मम्मा से जैसे बात हुई तो थोड़ा सा मुझे लगा कि अरे मतलब एक वो सारे सीन जैसे सामने आ जाते, वो भी मैंने मतलब हो गई थी कंट्रोल, वो तो पता ही है एक्सेप्टेंस है अंदर बहुत, बट हाँ बस सीन जैसा ऐसा हो गया कि बस जी उसमें भी मैंने कोई रिएक्ट नहीं करा भैया, बस ऐसे। बढ़िया। देखिए, अगर इतना हो जाता है हम में से किसी को भी या सभी को, तो देखिए एक बात हम बहुत अच्छे से देख पाएंगे कि अगर हम उसको बिना प्रभावित हुए देख पाते हैं तो अपनी कल्पनाशीलता में जो चल रहा है ना, उससे होने वाले सुख दुख से मैं मुक्त हो जाता हूँ। ये वो चीज हो रही थी भैया कि हाँ ठीक जी है कॉल आया कोई बात नहीं, इतने टाइम बाद उनको मेरी याद आई या जो भी उनकी प्रॉब्लम रही या जो भी, ठीक है कोई बात नहीं। जी जी मतलब जी उसमें भी मैंने कोई कुछ नहीं, बहुत ज्यादा अगर थोड़ा सा मैं सैड हुई रोई तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ वो रोने का भी पीछे का रीजन कि हाँ एक जो बच्चे और माँ का जैसे होता जी तो उसमें दो बातें मैं बोल दूँ, है ना, उसमें मैं दो बातें बोल दूँ। एक तो यही इम्पोर्टेंट बात है कि हमारा अगर एक बार भी ये चीज़ हमको दिखती है, इस स्थिति में आते हैं, तो हमारा ये कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि कल्पनाशीलता में जो चीजें चल रही हैं उसका सुख दुख जो चल रहा है उससे बिना प्रभावित हुए मैं देख सकता हूँ। एक तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, हम में ये पोटेंशियल है, इसका विश्वास बढ़ता है। दूसरा क्या है, अब मैं जब बाहर निर्णय भी लूंगा तो ज्यादा अच्छे से ले पाऊंगा, क्योंकि मेरे में जो चल रहा है मैं उससे बिना प्रभावित हुए चीजों को देख रहा हूँ। तो मेरे निर्णय भी अब ज्यादा सटीक होंगे, परस्परता में मैं जो इंटरेक्शन करूंगा वो ज्यादा सटीक होंगे। तो ये दोनों ही बातें बहुत अच्छी हैं। तो हमें लगता है हम लोग को ऐसे ही निरंतर अवेयरनेस पे रहना चाहिए, ध्यान देना है, और देखते हैं कि ये जो स्थिति बनी है ये कितने लंबे समय तक और हो सकती है ना। तो अभी बन गई है तो बहुत अच्छी बात है, हो सकता है कल ना बन पाए तो भी उस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर से उसको ऑब्जर्व करेंगे, फिर निर्णय लेंगे कि हमको तो सिर्फ ऑब्जर्व करना है। तो अभी ये प्रक्रिया में जब हम चल रहे हैं तो बहुत सारा अप डाउन हमको दिखता रहेगा। कभी हमको लगेगा कि हाँ इस मोमेंट तो या इस मिनट या इस आवर हमने बिना प्रभावित हुए चीज़ों को देख लिया है, अगले मोमेंट हो सकता है हम प्रभावित भी हो जाए। तो दोनों स्थिति में हमको ये निर्णय बनाए रखना है कि जो चल रहा है मुझे सिर्फ देखना है। तो जी फिर देखते हैं भैया, कितनी देर तक और हम लोग की ये निरंतरता बन सकती है जी ना। भैया बिल्कुल वही चल रहा था, और क्योंकि जी कुछ चल ही नहीं रहा था पहले, तो वही वजह से मेरे को भी ये लगा कि मैं क्या भैया से बात करूं, तो
फिर जैसे आपने उदाहरण दिया ना पानी का, तो मेरे को एकदम से आंखों के सामने आया कि हाँ समुद्र है मम्मी के घर के पास, और जैसे मैं खड़ी हूँ वहां पे और वो बेब आ रही है और मैं खड़ी हुई हूँ, बस कुछ नहीं, ना मैं कोई छलांग लगा रही हूँ, ना मैं कोई पीछे भाग रही हूँ, बस वो जैसे पानी जा रही है और नीचे से जैसे होता है ना मिट्टी और वो रेत का, बस वो उसको बस मतलब महसूस कर रही थी, जी और बस वो चीज हो रहा था जी भैया। बढ़िया जी। थैंक इसके आगे के स्टेप में यू हम लोग स्टेप टू पर फिर बात करेंगे, जी अभी तो हम लोग इस भैया। अभ्यास पे ही बात कर रहे हैं। सर मेरी अभी जो इमेजिनेशंस में जो हम लोगों ने 2 दिन से जो एक्सरसाइज करी है उसमें भाव को तो संभल के मैं निर्वाह कर पाती हूँ, क्योंकि वो तो आउटर इफेक्ट है शायद। भाई मेरे मेरे अंदर में मैं दूसरों के साथ जब भाव के प्रति सजग होके व्यवहार करने लगती हूँ तो वहां तो मैं सजगता करती हूँ, पर मैं विचारों में जाके ना, वो जैसे मुंगेरी लाल के सपनों में, वहां जाके कभी जब एकांत में बैठती हूँ तो वहां अपने आप को हैप्पीनेस फील करती हूँ और एंजॉय करती हूँ उन विचारों के साथ। तो ये जो चल रहा है ये क्या है वहां पर? और आशा की तो आउटर इफेक्ट है आशा, तो उस आउटर इफेक्ट से तो मैं सोचती हूँ कि उससे प्रभावित होना ना प्रभावित होना कोई मतलब ही नहीं बनता। तो अगर हम इन चीजों की अगर हम लोगों को ज्ञान भाई समझ आ जाती है तो यहाँ के बाद सिचुएशन आगे की कैसे जाती है कि हम हर वक्त सजग रहते हैं व्यवहार निर्वाह करने वक्त क्या? तो ऐसा जो ये जो अब मेरे थॉट प्रोसेस में ये अब चलने लगा है कि अब मैं अपने विचारों को कंट्रोल कर पा रही हूँ या फिर मैं वहां एंजॉय कर पा रही हूँ, क्या चल रहा है ये समझ नहीं आ रहा। जी जी तो सर दीदी दोनों ही बातों को हम ये कह रहे हैं कि ना हमको उसको एंजॉय करना है ना ही कंट्रोल करना है। अच्छा अभी बहुत जल्दी होता क्या है ना, हम लोग आउटकम सेंट्रिक चीजों को सोचते हैं, हमको लगता अच्छा है कि हम देखेंगे और हम सुखी होने लगेंगे, हाँ तो बहुत जल्दी हम लोग फल की इच्छा में ना चीजों को करना चालू कर देते हैं, तो वो फल अच्छा हमारे में फैलाने लगते हैं। अभी मिला है कि नहीं मिला है एक अलग बात है, लेकिन फैलाने में पहले लगते हैं, अच्छा है ना? तो हम जी को जी वो फल पे अभी फोकस ना करके इस पूरे प्रोसेस पर फोकस करना है। अच्छा तो वो जो मुगेरी लाल के हसीन सपने वाला एग्जाम्पल लिया वो वही है ना, कि हम अच्छा कुछ अच्छा सोच लेते हैं और फिर उसी को फलाने लगते हैं। अच्छा होगा कि नहीं उसमें होगा वो अभी हमको पता नहीं है, हाँ तो वो फैल जाता है, तो हम उसी कल्पनाशीलता में एंजॉय करने लगते हैं, है ना? और फिर जब वो एक्चुअलाइज नहीं होता है फिर हम कल्पनाशीलता में दूसरी तरह से रिएक्ट करते हैं। हाँ फिर दूसरे सपने देखने लगते हैं यस, तो या तो सपना चेंज कर देंगे या हाँ फिर हम रिएक्टिव हो जाते हैं, नहीं रिएक्शन में चले रिएक्टिव जाते हैं। तो अभी मैं इतना नहीं हो पा रही, पर मैं वहां एंजॉय कर रही हूँ, पर ये जो हम निर्वाह करने जा रहे हैं भावों के प्रति, वहां सजगता बहुत बढ़ गई है। और फिर दूसरा यहाँ पर जो हमारी आशाएं हैं, वो आशाएं मैं सोच रही हूँ कि शायद वो हमारे आउटर इफेक्ट्स हैं, उसको हम लोग कोई हमारा उसमें कोई ज्यादा हम लोग कुछ कर नहीं सकते, कभी जैसा है वैसे अगर हम वैसा जीवन जीते रहे तो वो आशाओं का कोई मतलब ही नहीं रह जाता वहां पर। ये एक पॉइंट मेरे को, दो चीजें तो यहाँ पर अगर ये सही है, मैं सही चल रही हूँ इन दोनों में, भाव और आशा में, चलो विचारों में तो मैं मुंगेरी लाल ही हूँ वो तो मेरे को पता चल गया, पर यहाँ आशा और भाव की बात है कि भाव तो मैं व्यवहार करने वक्त सजग रहने लग गई यहाँ पर, और आशा के ऊपर मैं बात ही नहीं करती, वो भी मैंने सोच दिया ये आउटर इफेक्ट ही है शायद, एक्सपेक्टेशंस हमारी, तो ये सही है क्या? देखिए दीदी, अभी बहुत जल्दी कंक्लूड मत करिए कि मैं कर सकती जी हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, हाँ जी है जी ना? क्योंकि जब हम कंक्लूड कर लेते हैं ना, तो वो जो हमारे अच्छा कंक्लूजन है वो भी हमारे कल्पनाशीलता में चलने के आधार बनने लगते हैं। तो अभी कंक्लूड मत करिए। और दूसरा, अभी जीने की बात से पहले इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारी जो कल्पनाशीलता में चल रहा है पहले मैं उसको ठीक से ऑब्जर्व कर लूँ, है ना? फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे क्या करना है। जी अदरवाइज वो ऑब्जर्व करने वाला काम ठीक से नहीं होगा तो हम हमेशा अपने में मिक्सिंग रखेंगे, है ना? चीजों को मिक्स करेंगे, शिफ्ट करते रहेंगे, ये चीजें होती रहेंगी।
तो जीने का निर्णय भी अगर आप देखेंगे परस्परता में तो कल्पनाशीलता में ही हो रहा है। कल्पनाशीलता में भी देखेंगे तो अभी आप जो शेयरिंग कर रही हैं बहुत सारा ध्यान आपका विचारों में जा रहा है ना। उस विचार के पीछे के जो भाव है उस पर भी हमको ध्यान देना अभी है, क्योंकि अगर हमारे में वो भाव चल रहे होते जो हमको सहज स्वीकार है तो हम कल्पनाशीलता में इतना विचार फैलाते नहीं, फिर तो कुछ और ही विचार फैलना होता है। तो अल्टीमेटली तो हमको भी भाव तक पहुंचना है, तो लेकिन वो जो चल रहा है हम अगर उसमें एंजॉय करने लगेंगे तो फिर हम भाव तक नहीं पहुंच पाएंगे, या उन विचारों को ही दूसरे विचारों से शिफ्ट करने लगेंगे तो भाव तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो अभी तो हमको इतना करने का काम है कि वो जो विचार में चल रहा है उसको सिर्फ देखते रहिए, है ना। उसमें हम जो इंडल्ज हो जाते हैं ना कि यही अच्छा है ऐसे ही होता रहेगा, ये प्रॉब्लम है। अच्छा, वो मान लिया हम लोगों ने, है ना। जी, तभी आप उसको पकड़े हुए हैं। अच्छा, वो मान के चल रहे हैं इसलिए पकड़े हैं। हाँ, तो अब उसको पकड़े हुए हैं तो भाव तक जाने का तो अभी दूर हो गया प्रोसेस। तो अगर उसमें इंडल्ज हो जाएंगे और उसी में हम इंजॉय करने लगेंगे फिर तो वो प्रोसेस अभी रुक गया जिस प्रोसेस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो अभी तो हम लोग सिंपल ये प्रोसेस कर रहे हैं, जो विचार चल रहे हैं उनको सिर्फ देखते रहे, हम विचार से विचार को बनाने लगते हैं तो कुछ अच्छा होता है उसमें कुछ और अच्छा जोड़ने लगते हैं। तो ओवरऑल हमको लगता है कि ये अच्छा ही हो रहा है मेरे साथ उस समय, और उसी में हम बने रहना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस हैप्पीनेस है। हाँ हाँ, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस चाहिए, एक तो ये बात है। फिर हमको अभी इस बात का क्लियरिटी है कि नहीं है कि ये जो मैं बना के खुश हो रहा हूँ इसमें हैप्पीनेस की कंटिन्यूटी हो भी सकती है कि नहीं हो सकती है, इस बात की क्लियरिटी भी जरूरी है। अगर हमने मान लिया है कि यही कंटिन्यूअस हैप्पीनेस का सोर्स हो जाएगा तो हम उन सपनों में खो ही रहेंगे फिर तो। अच्छा, वो पक्के हो जाएंगे मुंगेर जी, के तो इसलिए वो सामने। क्लियर होना जरूरी है कि सुख हमारा स्वभाव है या ये जो हमने प्रभाव बना रखा है या दबाव है ही है। तो अच्छा, उसको ऑब्जर्व करते रहिए और अपने से पूछिए कि इसकी निरंतरता हो सकती है कि नहीं हो सकती, है ना। ठीक है। जी 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 धन्यवाद सर। ठीक है दीदी। मैं कल मेरे मेरी ऑब्जर्वेशन मैं रखना चाहूंगा। जी कल मैं अपने कॉलेज में अपने टेबल पर ही जैसे ही मुझे समय मिला तो मैंने अपनी आंख बंद कर ली और मैंने कोशिश की कि देखूं कि मेरे विचार कैसे चल रहे हैं। और मैं जैसे आंख बंद की तो क्योंकि तो मेरा नींद आने लगी तो इसलिए मैंने अपना आंखें आधे बंद कर ली। आधे जी बंद करने पर मुझे मतलब नींद रुक गई, मतलब हाफ क्लोज जैसे बोलते हैं आंखों को, न नींद न, ताकि मैं ये कोशिश कर रहा था जैसे भगवद गीता में कहा है कि आपको अगर ध्यान लगाना है तो हाफ क्लोज आईज रखनी है, तो मैं वो कर पा रहा था कल। 10 10 मिनट तक मैं सिर्फ मुझे नींद में नहीं जाना और बाहर भी बाहर की चीजों को भी जो चल रहा है उसे भी नहीं देखना, बीच बीच की स्थिति में आने की कोशिश कर रहा था जो मैं कर पा रहा था। तो ऐसे में फिर मैंने देखा कि मेरे विचार कैसे चल रहे हैं, तो एज यूजुअल जो विचार चल रहे थे जो मैं जैसे कि मुझे कुछ पेपर्स करने हैं या मेरे कोलिग्स के साथ मेरे क्या काम है, वो सब विचार चल रहे थे, मैं ऑब्जर्व कर पा रहा था और उसको एज ए ऑब्जर्वर ही मैं देख पा रहा था। तो और ये भी मैंने देखा कि प्रिडोमिनेंटली मेरे सारे सारे विचार जो है जो बाहर की तरफ है, मतलब सेल्फ पे नहीं है, मोर ऑफ आउटसाइड जो जो बोलते हैं, तो जैसे कि कोई काम करना है, मतलब कोई ड्यूटी निभानी है तो उस चीज के बारे में, या मेरे कोलीग जो कर रहे हैं उसके बारे में, तो ऐसे ऐसे मेरे विचार चल रहे थे। पर
मैं उसे ऑब्जर्व कर पा रहा था क्योंकि मेरे आंखें हाफ क्लोज थी, ना मैं उसमें था ना मैं अपने सेल्फ पे था, मैं बीच की स्थिति में था, तो ऐसे हो पा रहा था कल। भैया क्या ये ठीक है, क्या ये इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन में गलती हुई है, क्या आप इस पे कमेंट करना चाहेंगे? जी, तो भैया देखिए, अल्टीमेटली तो ध्यान तो हमको अपनी कल्पनाशीलता में देना है ना। चाहे हम आंखों को बंद रखें, चाहे खुला रखें, चाहे हम हाफ क्लोज रखें, हाफ ओपन रखें, तो अल्टीमेटली ध्यान देना तो हमको कल्पनाशीलता में है, क्योंकि जो हमारा सुख और दुख है वो सब हमारी कल्पनाशीलता में ही चल रहा है। तो कल्पनाशीलता में कुछ अन्यथा चलता है तो उसका दुख भोगने लगते हैं, कल्पनाशीलता में कुछ हम सार्थक चलाते हैं तो उसका सुख भोगने लगते हैं। तो अल्टीमेटली देखेंगे तो चीजें तो कल्पनाशीलता में ही हो रही है ना। तो उसमें शरीर को जिस स्थिति में भी रख सकते हैं आप रख लीजिए। अगर आपको लगता है उस स्थिति में रख के शरीर को मैं कल्पनाशीलता में ज्यादा ध्यान दे पा रहा हूँ, तो कोई समस्या नहीं है उसमें। ये क्लियरिटी जरूरी है कि अल्टीमेटली कल्पनाशीलता पर ध्यान, एक पार्ट तो ये। फिर दूसरी पार्ट ये है कि हमको कल्पनाशीलता में निरंतर ध्यान देना है। तो अभी किसी विशेष पोजीशन पर है, हम ध्यान देना चालू कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो हमें 24/7 ही ध्यान देना है। ये दूसरी बात है जो हमको ध्यान में आनी चाहिए, क्योंकि अगर निरंतर सुख पर हम काम कर रहे हैं, निरंतर तृप्ति पूर्वक जीना चाहते हैं, तो निरंतरता में ही ध्यान देने की आवश्यकता है। और हम अपने में ये देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं कि निरंतरता में मैं ध्यान दूं, इसके लिए शरीर की स्थिति बहुत कैसी हो ये बहुत मायने नहीं रखता है। तो मैं नहा रहा हूं तो भी अपनी कल्पनाशीलता में ध्यान दे सकता हूं, क्योंकि नहाने से पहले भी मैंने निर्णय तो कल्पनाशीलता में ही लिया है। मैं बात कर रहा हूं तो भी अपनी कल्पनाशीलता में ध्यान बनाए रख सकता हूं, क्योंकि बात करने से पहले जो मुझे शब्द बोलने हैं, उसके पीछे के जो विचार हैं, उसके पीछे के जो भाव हैं, वो सब तो मैं कल्पनाशीलता में ही देख रहा हूँ। तो अभी बाहर भी जो मैं रिफ्लेक्ट हो रहा हूँ, तो उससे पहले तो मैं कल्पनाशीलता में ही बहुत सारी चीजें चलाता हूँ। बाहर तो मेरा जो रिफ्लेक्शन आ रहा है वो बहुत ही कम है, अंदर जो चल रहा है वो ज्यादा पोर्शन है। तो अल्टीमेटली ये क्लियर हो जाए कि मैं शरीर किसी भी स्थिति में हूँ या किसी भी इंटरेक्शन में मैं हूँ, अंदर हूँ बाहर हूँ, निर्णय तो सारा कल्पनाशीलता में ही हो रहा है। तो कल्पनाशीलता में ये अवेयरनेस का हमारा टाइम पीरियड और बढ़ जाए है ना, और अल्टीमेटली तो हर पल अच्छा हो जाए, इस पर हमारा ध्यान देना आवश्यक है। एक पार्ट तो ये। दूसरा पार्ट ये है, जैसा आपने कहा कि अभी हम जब ध्यान दे रहे हैं तो बहुत जो इमीडिएट चीज़ें हैं है ना, बाहर जो हमको इंट्रेक्शन करना है, वो हमारी कल्पनाशीलता में बना रहता है, उस पर हमारा ध्यान जाता है। तो अभी देखिए क्या है, बाहर कुछ होता है तो हमारी कल्पनाशीलता में ध्यान जाता है, क्योंकि बाहर कुछ होता है हमारी कल्पनाशीलता में कुछ चलता है, फिर हमारा ध्यान जाता है। हमको बाहर कुछ व्यक्त होना है, उसके लिए हम कल्पनाशीलता में कुछ चलाते रहते हैं, तो अवेयरनेस बढ़ेगी तो आपको हमको दिखना चालू होगा कि क्या चल रहा है। फिर अवेयरनेस बढ़ेगी तो हमारी अपनी कल्पनाशीलता में भी चीजें बन रही हैं, जो बाहर से परस्परता से रिलेटेड कम है, लेकिन हमारे अपने पुराने जो अजम्पशंस हैं, प्री कंडीशनिंग्स हैं, पुरानी घटनाएं हैं, उनसे भी लेकर हमारे विचार भाव बनते रहते हैं, फिर हमारा ध्यान यहाँ भी जाएगा। तो जैसे जैसे हमारा अवेयरनेस बढ़ेगा तो हम ये तीन चीजें तो आराम से देख सकते हैं कि बाहर कुछ होता है तो हमारी कल्पनाशीलता में चलता है, बाहर परस्परता में कुछ करना है उससे पहले हम कल्पनाशीलता में चला रहे हैं, फिर हमारी कल्पनाशीलता में भी चीजें बन रही हैं हमारे अपने पुराने संस्कार, पुराने मान्यताओं के बेसिस पर। और इन सब को देखने का, बिना प्रभावित होकर देखने का पोटेंशियल भी मेरे में बना हुआ है। इतने चीजों को हम जब देख पाएंगे है ना, तब हम वो निरंतर सुख की जो बात कर रहे हैं उस तरफ बढ़ने का काम हो पाएगा। जी भैया, मुझे इतना ही कहना था आपकी बात पर। जी भैया, थैंक यू। मैं ठीक से इस पे गौर करूंगा और कोशिश करूंगा और भी इम्प्रूव कर सकूंगा अपने आप को। जी जी भैया, अवेयरनेस हो सके, इम्प्रूव मतलब अवेयरनेस है ना, अवेयरनेस हाँ हमारी हाँ बढ़ सके। हाँ हाँ भैया, मैं वैसे दर्शन से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने फर्स्ट टाइम ही UHV में ये जो एक्सरसाइज वगैरह है इसके लिए मैंने ज्वाइन किया है।
तो ये लास्ट 20 ईयर्स से मुझे एक मेडिटेशन की प्रैक्टिस करता हूँ मैं। तो उसमें जैसे आपने बताया, तो उसमें बैठ के तो ध्यान या तो ब्रीथिंग पे चला गया मेरा, और इसके अंदर एक विचार शून्य होने के लिए हम कोशिश करते रहते थे, तो कहीं कहीं गैप आता रहते हैं, कहीं ऐसा लगता है कोई विचार नहीं चल रहा, तो और थोड़ी कहीं पे नींद, जैसे नींद आने लग जाती है, पहले भी प्रैक्टिस करता था मैं, ऑन एंड ऑफ चलती थी रेगुलर नींद। जी तो और कुछ जैसे आपने बताया ऑब्जर्वेशन ही करनी है, तो कुछ थॉट आते थे तो मैंने सोचा कि हाँ इसको आने दिया जाए और जाने दिया जाए, तो इतना मेरा चलता रहा ये। पर एक बात मैं पूछनी चाहूंगा भैया, कि जैसे ये विचार के बीच में ऐसा लगता है कि कोई विचार एक विचार से टिके दूसरे विचार के बीच में जो गैप है, तो क्या वो विचार चुनने का है या वहां भी कोई विचार है? धन्यवाद भैया, इतना पूछना। जी तो देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी तो हम जब एक विचार से दूसरे विचार में शिफ्ट हो रहे हैं, है ना, तो उसकी गति इतनी तेज होती है कि हमको जो ट्रांजिशन पीरियड होता है वो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। एक तो ये पार्ट है, लेकिन दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा कि हमारा जो पोटेंशियल है उस ट्रांजिशन पीरियड को भी देखने का है। तो अगर हम कुछ कंक्लूजन के साथ चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर उस ट्रांजिशन पीरियड को पकड़ना मुश्किल है। अगर हमारी देखने की सूक्ष्मता डे बाई डे बढ़ती जा रही है, तो फिर हम ये भी देख पाएंगे कि ट्रांजिशन जो हुआ है, एक विचार से दूसरे विचार गया है, वो डायरेक्टली शिफ्ट नहीं हुआ है, उसके बीच बीच में भी एक सब विचार है, सब थॉट है, उससे हम वहां पर शिफ्ट हो गए। तो एक पूरा लिंकिंग है, कुछ रैंडम नहीं हो रहा है। तो वो डिपेंड करेगा कि हमारी देखने की सूक्ष्मता कितनी है। तो अभी हम विचार है, सूक्ष्मता के साथ हम उस विचार के पीछे के भाव को भी देख पाएंगे, और सूक्ष्मता के साथ फिर हम संस्कार को भी देख पाएंगे। तो हमको दिखेगा बहुत सारा विचार और भाव तो हमारे संस्कारों से बन रहा है, और सूक्ष्मता के साथ हम देख पाएंगे कि संस्कार के पीछे हमारा स्वभाव भी है। वहां पर जाकर फिर वो शून्यता की बात ना, और शून्य के साथ जो आप समझना चाह रहे हैं उसकी पॉसिबिलिटी बनती है। तो अभी ज्यादातर जो इस प्रोसेस में मैं ऑब्स्टिकल देख पाता हूँ, अपने लिए भी देखा है मैंने और लोगों की शेयरिंग से भी मुझे लगता है कि हम बहुत कंक्लूडिंग वे में चीजों को बढ़ाते हैं कि ये होना चाहिए। हमारा जो अपने को अनफोल्ड अनफोल्ड करके अपने पोटेंशियल तक पहुंचने वाला काम है, हम उसको सेकेंडरी कर देते हैं और बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें हम सोच के आगे बढ़ते हैं। ये मुझे एक बाधा लगता है इस पूरे प्रोसेस में। उसका सिंपलेस्ट वे मुझे यही लगता है कि चीजों को हम अनफोल्ड होने दें और हम अपने देखने की सूक्ष्मता को देखें कि हमारी सूक्ष्मता डे बाई डे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। जैसे पहले विचार एक से दो जाता था, पहले जाता था हमको दिखता नहीं था, अब दिखने भी लगा है, ये बहुत अच्छी बात है। फिर हमको ये दिखेगा एक से तो जो दो गया है ये भी बहुत रैंडम नहीं गया है, बीच में लिंक है। फिर हम देख पाएंगे विचार भी जितना जो इधर उधर भाग रहे हैं, है ना, उससे पीछे हमारा भाव है, उस भाव पे हमारा ध्यान चला जाए। भाव के लेवल पर विचारों का सेटलमेंट ज्यादा आसान है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, फीलिंग के लेवल पर हमारा शिफ्टिंग हो रहा है, इसलिए उधर विचारों के लेवल पर बहुत तेजी से शिफ्टिंग हो रहा है। तो भाव को स्थिर हो जाए, तो जब हमारी सूक्ष्मता बढ़ेगी तो हम भाव के लेवल पर देख पाएंगे कि अभी मेरे अंदर संबंध का भाव चला, सहअस्तित्व का भाव चला, व्यवस्था के लिए भाव चला, या द्वेष का भाव चल गया, विरोध का विचार विरोध भाव चल गया। उससे बहुत सारा विचार फ्लरिश हो जाता है ऊपर जाकर। तो अगर ये नीचे जाएंगे सूक्ष्म में तो ज़्यादा सही से वो स्टेबल हो सकता है। फिर हमको दिखेगा ये जो भाव में भी जो बहुत सारा वेरिएशन चल रहा है, ये हमारे संस्कारों में बहुत सारा उथल पुथल बना रहता है ना। तो हमारे अंदर चला गया है, हमने उसको वेरीफाई नहीं किया है, तो बहुत सारी चीजें अन्यथा भी मान ली है, उससे भी चीजें चलती रहती हैं। तो उतनी सूक्ष्मता के साथ जब हम डीपर जाते जाएंगे ना, तो वो जो ऊपर वाला सेटलमेंट है वो होता जाएगा। और अल्टीमेटली जब हम इस बात को समझ जाएंगे सूक्ष्मता के साथ, अपने पोटेंशियल को समझ जाएंगे कि मैं इन सबको भी देख सकता हूँ, होते हुए भी देख सकता हूँ, शिफ्टिंग करते हुए भी देख सकता हूँ, इसके पीछे के सूक्ष्म कारणों को भी देख सकता हूँ, तो वहां पर जाकर मुझे लगता है फिर ये जो आप शून्य की बात कर रहे हैं वो अपने आप ही अनफोल्ड होगा। तो चीजें होंगी,
हमको प्रोसेस में जाना है, हम क्या करते हैं चीजें हो जाए इसके लिए प्रयास करने लगते हैं। तो एक प्रोसेस है, प्रोसेस में चलेंगे और चीजें होने लगेंगी, है ना, धीरे धीरे अनफोल्ड होगा। हमारे सबकॉन्शियस में बहुत सारी चीजें हैं, वो अनफोल्ड होंगी तो चीजें होने लगेंगी। ये एक दिशा हो आ जाए तो अच्छा है। हम चीजें वो करने का प्रयास करते हैं, तो वो जब करने का प्रयास करते हैं और अपने पोटेंशियल का अगर हमको क्लैरिटी नहीं है तो बहुत सारा फिर हम अन्यथा भी कर देते हैं उसमें। हाँ, वो भी एक प्रैक्टिस है ना जो इतने सालों की हुई है, तो उसमें कंक्लूजन पहले ही अपने आप आने शुरू हुए, तो जी भैया जी, उससे भी थोड़ा बचना है। हाँ, इसीलिए मैंने पूछा है कि तो भी, और कुछ टाइम तो लगता है कि हाँ, जैसे पूरे दिन में विचार आते हैं, फिर वो भाव भी उससे, क्योंकि कहीं असम्मान, हमारा जो सम्मान नहीं हुआ, कहीं हमें लगा कि हमें दुख पहुंचा, वहां पहुंच जाते हैं। तो अभी वो है भी नहीं, पर वो दोबारा फीलिंग वहीं आ जाती है, तो जी ये चीज जी भी मैंने फील की कई बार। हाँ, तो अपने लिए तो भैया मैं यही देख पाता हूँ कि हम इस प्रोसेस से निकले, है ना, इस प्रोसेस को समझे, इस प्रक्रिया को समझे और इस प्रक्रिया को होने दें। उसमें हम लोग पॉजिटिवली भी एक्साइटेड ना हो जाए, थोड़े दिन अच्छे चले गए तो निगेटिवली भी एक्साइटेड ना हो जाए कि आज कुछ भी नहीं हुआ है। उस प्रोसेस को होने दें, और मुझे लगता है अगर हम इस प्रोसेस को केवल होने दें तो बहुत सारी चीजें होने लगेंगी जो अभी आप बात कर रहे थे। तो मतलब मेन काम सिर्फ ऑब्जर्व करनी और उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी, जो हाँ, होता है बस देखना। ये पहला स्टेप है जो हमको करना है कि कम से कम चीजों को ऑब्जर्व ऑब्जर्वेशन में रखें और होने तो थे कम से कम, है ठीक, ना। धन्यवाद। जी ठीक है, तो एक बार मैं सवाल साथ हो गया, एक बार मैं चीजों को फिर से समअप कर देता हूँ कंटेंट वाइज, फिर एक हम लोग क्वेश्चन ले लेंगे। तो हम लोग प्रोसेस पर बात कर रहे हैं, है ना, ऑब्जर्वेशन पर बात कर रहे हैं, हम लोग स्वयं को स्वयं से देखने की बात कर रहे हैं, और जब देखने की बात कर रहे हैं तो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि स्वयं में जो चल रहा है, कल्पनाशीलता में जो चल रहा है, उसको बिना प्रतिक्रिया के, बिना किसी आशा के साथ चलने दें, बिना मूल्यांकन किए, बिना उसको रोके, बिना उसमें इंडल्ज हुए, बिना उससे दूर भागे, उसको एज इट इज चलने दें। ये देखने का हमको निर्णय बना के रखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो अगर हमारा ध्यान बाहर शिफ्ट हो जाए तो कोई बात नहीं, शिफ्ट होने दीजिए, है ना। तो शिफ्ट हो गया है, फिर अपने में ये बात बना लीजिए निर्णय कि अभी शिफ्ट हो गया है लेकिन अल्टीमेटली ध्यान तो मुझे अपनी कल्पनाशीलता पर बनाए रखना है। तो अगर शिफ्ट भी हो गया है तो फिर से निर्णय लीजिए कि मैं कल्पनाशीलता में ध्यान बनाए रखूंगा, फिर से ध्यान जाने लगेगा, फिर शिफ्ट होगा, शिफ्ट होने पर फिर से आप रिएक्शन मत करिए, फिर से उसको ध्यान में रखिए। तो अपनी कल्पनाशीलता को जब देखना चालू करेंगे तो हमको इनिशियली विचार दिखना शुरू हो सकते हैं, जैसा कि लोग अभी शेयर कर रहे हैं, तो लोगों की शेयरिंग में भी देखेंगे तो विचार वाला भाग भी ज़्यादा दिखता है। तो ये एक प्रोसेस है, जब हम उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं तो हमको विचार दिख रहे हैं, धीरे धीरे उसके आधार में जो इच्छा है उसको भी हमको देखने का काम शुरू करेंगे, वो भी देखने चालू हो जाएगा। और अल्टीमेटली तो पूरी कल्पनाशीलता को ही देखना है हमको, इसमें चल क्या रहा है, जो भी इच्छा है, जो भी विचार है, जो भी आशा है, सबको देखना है। और ये सब करते हुए क्या नहीं करना है उसको इस स्लाइड में रेड से लिखा हुआ है कि उसका मूल्यांकन अभी नहीं करना है, प्रतिक्रिया नहीं करना है, रोकने का प्रयास नहीं करना है, बदलने का प्रयास नहीं करना है, हर क्षण बस ये अवेयरनेस रखनी है कि ये चल रहा है और उसको चलने दीजिए। अच्छा लग रहा है तो भी चलने दीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है इस क्षण तो भी चलने दीजिए, है ना। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, लेकिन एक बहुत ही पावरफुल स्टेप मुझे लगती है अपने लिए, क्योंकि मुझे लगता है इस स्टेप में जैसे जैसे हम जाएंगे तो हम अपने को अनफोल्ड होने देते हैं। अभी क्या, हम अपने को अनफोल्ड भी नहीं होने देते हैं, हम बीच में कहीं ना कहीं इंटरप्ट करते रहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में जो भी आपके ऑब्जर्वेशन आते हैं उनको आप कहीं नोट करते रहिए, एक डायरी बना लीजिए, वो आपको भी बहुत हेल्पफुल होगी जब आप आज से 1 महीने बाद, 2 महीने बाद और सूक्ष्म बढ़ेंगे तो आप पहले को भी देख पाएंगे कि पहले मैं किस तरह से चीज़ों को देखता था, अब किस तरह से देख पा रहा हूँ। तो उनको अपने नोट करिए कहीं, तो आपकी गति के लिए भी सहायक होंगे और वो डॉक्यूमेंट दूसरों के लिए भी सहायक हो सकता है ना। तो ये एक सरल है प्रक्रिया, सरल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कल्पनाशीलता तो निरंतर चली रही है, उसको देखने का जो पोटेंशियल है वो भी हमें स्वाभाविक रूप से ही है,
करना इतना है कि सिर्फ निर्णय लेना है कि मुझे देखना है, और देखना शुरू कर देना है। तो देखने का निर्णय लेना है, बाकी चीजें तो हो ही रही हैं। तो क्या आपको कल्पनाशीलता चलाना नहीं है, वो निरंतर ही चल रही है। आपको अपना पोटेंशियल आपके पास है ही देखने का, तो देखने का निर्णय लेना है। इसलिए सरल है, महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो भी मेरा सुख दुख है ना, वो मेरे भाव विचार पर ही निर्भर कर रहा है। तो जो भी मेरी कल्पनाशीलता में अभी भाव विचार बन रहा है, उसी पे मेरा सुख दुख तय हो रहा है। तो कुछ अच्छा चलने लगता है तो हमको लगता है हम सुखी हो गए हैं, तो उसको भोगने लगते हैं। कुछ अन्यथा चल रहा है तो हमको लगता है हम दुखी हो गए हैं, हम उस दुख को भी भोगने में लग जाते हैं। तो दोनों ही चीजों में हम इंडल्ज होने लगते हैं। और ये महत्वपूर्ण बात है कि सुख दुख तो देखेंगे तो कल्पनाशीलता में तय हो रहा है, इसलिए कल्पनाशीलता पर ध्यान देना एक महत्वपूर्ण बात है। सरल इसलिए है क्योंकि हमको सिर्फ निर्णय लेना है, बाकी पोटेंशियल मेरे पास है ही, और कल्पनाशीलता तो निरंतर चल ही रही है। तो इसलिए सरल भी है लेकिन महत्वपूर्ण भी है। इस पूरे प्रोसेस में देखेंगे तो जो सामान्यतः समस्याएं आती है उन पर मैं एक बार और ध्यान दिला देता हूँ। हो सकता है हम सब लोग उस फेज से निकल रहे हो। तो एक तो जब हम ध्यान देते हैं तो हमारा ध्यान बाहर की चीजों पर चला जाता है। तो बाहर की चीजों पर जाता है क्योंकि हमने अपनी कल्पनाशीलता में अभी बाहर की चीजों को बहुत महत्वपूर्ण मान रखा है। तो शुरू से ही अगर हम अपनी अपब्रिंगिंग भी देखेंगे तो बाहर की चीजों को ही सही करना है, बाहर की चीजें सही करके ही हम सुखी हो सकते हैं, ऐसा हमारे अंदर कहीं ना कहीं इंप्रेशन चला गया है। तो हमारा बहुत जल्दी ध्यान बाहर की चीजों पर चला जाता है, तो सुविधा पर चला जाता है, शरीर पर चला जाता है, संवेदना पर चला जाता है ना। तो ये जाना सिंपल है, चलता रहती है ये चीजें, कभी ध्यान बाहर जाएगा कभी अंदर जाएगा। बाहर ज्यादा जाता है क्योंकि हमने उसका ज्यादा अभ्यास किया है। तो इस क्षण जहां भी आपका ध्यान रहता है उसे देखते रहिए, भले ही वो बाहरी क्यों ना, और देखते हुए रिएक्शन नहीं देते हुए अपने में निर्णय बनाना है कि देखना तो मुझे अपनी कल्पनाशीलता पे रहा, कल्पनाशीलता को है। जैसे ही ये निर्णय लेंगे तो आपका ध्यान थोड़ी देर बाद या तुरंत ही स्वयं ही अपने आप कल्पनाशीलता पर लौट आएगा। ये स्वयं ही लौट आएगा, ये एक इंपॉर्टेंट बात है ना। हम रिएक्शन करके वापस लाएंगे तो एक अलग इशू क्रिएट हो जाता है। तो उसको अगर आपको दिख जाए कि मेरा ध्यान तो देखो पूरा बाहरी शिफ्ट हो गया है, तो अपने में निर्णय बना रखिए कि हाँ देखना तो मुझे अपने में। तो धीरे धीरे आपका ध्यान बाहर से अंदर की तरफ जाना एक सरल प्रक्रिया के तहत स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको बहुत एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। शुरू में अवेयरनेस रखना पड़ेगा, सजगता रखना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे वो एफर्टलेस होता जाएगा, है ना। तो जब आप ये देख पाते हैं कि आप महत्वपूर्ण हैं, आपकी कल्पनाशीलता महत्वपूर्ण है, आपका भाव विचार महत्वपूर्ण है, तो आपका ध्यान अपनी कल्पनाशीलता की तरफ ही जाएगा। जब तक हम ये माने रहते हैं कि बाहर की चीजें इंपॉर्टेंट है, उनका ठीक होना जरूरी है, तो हमारा ध्यान बाहर बाहर बना रहता है। तो इस पूरे वर्कशॉप से हम लोग इतने दिनों से जो जुड़े हैं, उसमें एक बात तो इम्पोर्टेंट ये तय हो ही पा रही होगी कि ज्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है कि अपनी कल्पनाशीलता पर हम ध्यान दें, क्योंकि हमारा सुखी दुखी होना तय तो वहीं से ही हो रहा है। तो एक बार ये अपने में निर्णय हो जाए कि कल्पनाशीलता पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, तो हमारा ध्यान कल्पनाशीलता की तरफ शिफ्ट होने लगता है। दूसरी एक समस्या ये भी आने की संभावना है कि जब हम कहते हैं कल्पनाशीलता को देखना है, चैतन्य को देखना है, कॉन्शियसनेस को देखना है, तो हम बहुत जल्दी संवेदनाओं के माध्यम से उसको देखने की कोशिश करते हैं ना। तो जो हमारी 5 संवेदनाएं हैं, तो उनके थ्रू ही हम चीजों को देखना चालू करते हैं, क्योंकि अभी हम देखने का मतलब आंखों से या संवेदनाओं से ही देखना, इसी से ज्यादा एसोसिएट कर रखा है। तो जैसे ही हम बोलते हैं अपने को देखें, तो हम तुरंत शरीर की संवेदनाओं में किसी संवेदना पर से थ्रू उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो ये अगर हम कर रहे हैं तो इस पर भी हमको ध्यान देना है कि चैतन्य को देखने के लिए हमको संवेदना की आवश्यकता नहीं है। और संवेदना से आप देखने की शुरू करेंगे तो जो संवेदनाओं की रेंज में आता है, आप उसी को ही चैतन्य में ढूंढने लगेंगे। तो कभी उसका आकार के बारे में प्रश्न आएगा, कभी रूप के बारे में आएगा, कभी रंग के बारे में आएगा। चैतन्य से चैतन्य को देखना चालू करेंगे तो स्वभाव पे ध्यान जाएगा, भाव पे ध्यान जाएगा, संस्कार पे ध्यान जाएगा, ये सीक्वेंस चलेगा।
तो इसमें भी आप अपने लिए देख सकते हैं कि अभी आप कल्पनाशीलता में जब देखते हैं तो संवेदनाओं के माध्यम से कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं, आंखों पे जोर पड़ने लगता है, या सीधे सीधे अपने को देखने का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमको सीधे सीधे अपनी कल्पनाशीलता को देखना है, इसका निर्णय बनाए रखना है। तो जब भी आप ध्यान देने का निर्णय लें तो उसके साथ ये भी अपने में एक बार रिवाइज करें कि मुझे आंखों से नहीं देखना है, आंखों को रेस्ट करने देते हैं, मुझे सीधे सीधे अपने को देखना है, बॉडी को रेस्ट करने देते हैं, तो ना मैं बॉडी को इन्वॉल्व करूंगा ना आंखों को इन्वॉल्व करूंगा, सीधे सीधे अपने को देख लेते हैं। तो इसको भी अवेयरनेस के साथ अगर हम अपने इंस्ट्रक्शन में लेकर आएंगे तो धीरे धीरे जो हमारा बॉडी पर जोर पड़ता है ना, उससे भी हम रिलैक्स हो सकते हैं और सीधे सीधे अपनी कल्पनाशीलता को देख सकते हैं। तो देखते हुए अगर हम अपने भाव को नहीं देख पा रहे हैं, विचार को देख रहे हैं, तो विचार को ही देखने का काम शुरू करें, जितनी देर देख पा रहे हैं उतनी देर देखने का काम शुरू करें। शुरू में हम लोग विचार के आधार पर भाव का निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो जैसे मैं परेशान हो रहा हूँ विचारों में, तो एक निष्कर्ष के रूप में ये निकल सकता है कि कहीं ना कहीं विरोध का भाव है। लेकिन निष्कर्ष के रूप में निकाल लेना कि विरोध का भाव है इसलिए विरोध के विचार चल रहे हैं, इतने से भी वो रिजॉल्व नहीं होता है, अपने में तृप्ति नहीं होती। तो अल्टीमेटली तो भाव को भी हमको डायरेक्टली देखना है, जिसको हम लोग स्टेप 2 से आगे देखेंगे। लेकिन अभी कम से कम निष्कर्ष के माध्यम से इतना तो दिख ही सकता है कि मेरे में जो विचार चल रहा है उसके पीछे का भाव क्या हो सकता है, इतना तो हम इंट्यूशन से निकाल ही सकते हैं। लेकिन देर सवेर हमको ये निष्कर्ष से भाव निकालने का अभ्यास की जगह सीधे सीधे भाव को देखने का काम करना है। तो निष्कर्ष के थ्रू ना देखकर सीधे सीधे मैं देख पाऊँ कि ये विरोध का भाव चल रहा है कि स्नेह का भाव चल रहा है, द्वेष का भाव चल रहा है कि स्नेह का भाव चल रहा है, ये सीधे सीधे भी मैं देख पाऊँ, इतनी सूक्ष्मता तक हमको चलना है भी आगे की यात्रा करनी है। तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि कल्पनाशीलता कभी चलती है ना, चलती हमेशा है, लेकिन कभी कभी आप देख पाते हैं, ये सब बातों पर ध्यान रखना है। तो कभी कभी आपको लगेगा कि कल्पनाशीलता में कुछ चल ही नहीं रहा है, तो उसको हमको ध्यान से देखना है कि चल नहीं रहा है या हम उसको देख ऑब्जर्व ठीक से नहीं कर पा रहे हैं और बता नहीं पा रहे हैं, इस बात को भी हमको अपने में ध्यान देना है। क्योंकि अगर रैशनली देखेंगे तो जीवन की तो सारी क्रिया निरंतर है, निरंतरता में चल ही रहा है, तो कुछ नहीं चल रहा है उसको हमें देखना पड़ेगा, ये कुछ चल नहीं रहा है या हम चीजों को अभी ठीक से ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, कंटेंट को ठीक से ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, इसमें भी हमको अपने में थोड़ा सा ध्यान देना है ना। तो इतनी बातें अभी आपके लिए हमने रखी है, इतनी चीजों का आपको ध्यान रखना है, कुछ चीजों को ध्यान से है ना अभी ध्यान नहीं देना है, जैसे कि संवेदना के थ्रू हम नहीं देख रहे हैं इस पर ध्यान बना रहे हैं, आंखों के थ्रू हम नहीं देख रहे हैं इस पर ध्यान बना रहे हैं, अपने को देख रहे हैं, स्वयं के द्वारा स्वयं को देख रहे हैं, उसको मैं डायरेक्टली देख सकता हूँ इस पर ध्यान बना रहे हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में ना, इस पूरी प्रक्रिया में अगर आपको कहीं भी हैवीनेस फील होता है, हो सकता है वो, हो सकता है वो इसीलिए होने लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं हम संवेदनाओं को जोर डालने लगते हैं और उससे शरीर थकने लगता है। तो अगर आप जैसे विचारों में उलझ जाएंगे तो उसका प्रभाव ब्रेन पे पड़ने लगेगा, फिर आपको थकान होने लगेगी, हो सकता है आपको नींद भी आने लगे। तो हमको ये देखना है कि जब मैं अपने ही को ही देख रहा हूँ सीधे सीधे, तो शरीर के थकने की तो आवश्यकता ही नहीं, शरीर को तो रेस्ट पे ही डाल रखा है मैंने, तो सीधे सीधे मैं अपने को देखूंगा तो ये जो हैवीनेस फील कर रहा हूँ, ये संवेदनाओं पे जो मैं जोर डालने लगता हूँ, इन सबसे भी मैं बाहर आ पाऊंगा। तो महत्वपूर्ण बात यही है कि अपनी कल्पनाशीलता पर फोकस बनाए रखना है, ध्यान बनाए रखना है, उसमें क्या चल रहा है इसको अवेयरनेस के साथ देखना है, और देखते हुए है ना कोई रिएक्शन नहीं करना है, बाहर ध्यान चला गया तो भी निर्णय लीजिए कि हमको तो अपने ऊपर ध्यान ही देना है, अंदर ध्यान आ गया है कुछ सही नहीं चल रहा है तो भी निर्णय लीजिए कि हमको तो सिर्फ देखना है ना। तो इस तरह से हम लोग हर क्षण सजग रहें, और सजगता आपकी खो भी जाती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है,
फिर अपने से अवेयरनेस से ये बात बोलिए कि ठीक है, ध्यान मुझे देना था, मैं ध्यान दूंगा। तो ये बिना प्रतिक्रिया के जितना हम कल्पनाशीलता को देखने का अभ्यास कर पाएंगे, उतना ही मैं अपने को धीरे धीरे अनफोल्ड कर पाऊंगा। तो मेरे में जो मान्यताएं हैं, जो एजम्पशंस हैं, जो अन्यथा संस्कार बन गए, वो धीरे धीरे अनफोल्ड होंगे। अनफोल्ड होंगे तो उसका जो दुख आएगा वो भी हम देखेंगे, जो अच्छा आएगा उसको भी हम देखेंगे। इतना काम हमारे लिए करने का है, जिसको हमें हर पल, हर क्षण, हर दिन, है ना, शरीर चाहे सो रहा हो चाहे जाग रहा हो, ये काम तो मुझे स्वयं पर करते रहना। तो इतना हम लोग के लिए करने का काम है। इस पर अगर कोई एक लास्ट क्वेश्चन है तो हम लोग ले लेते हैं। बताइए, एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। इस पूरे प्रोसेस को समझने में अगर कोई इश्यू हो रहा है, प्रोसेस में जब जाते हैं तो आपको कोई ऑब्स्टिकल आता है, तो उस पर एक प्रश्न ले लेते हैं, फिर हम लोग इसको क्लोज करेंगे। हाँ भैया, जो मेरा जो मुझे बात रखनी थी वो वैसे काफी यहाँ पर हो गई है अभी, लेकिन वही बात है कि एक जैसे मैं पहले विचारों में उतने उलझ जाती थी क्योंकि भाव पर ध्यान नहीं जाता था, लेकिन ये जी मॉर्निंग सेशन जो अटेंड कर रही हूँ मैं, लगातार 10वां है, तो भाव पे बहुत ध्यान अब जाने लगा है। तो उसमें क्या हो रहा है कि जैसे विचार चलता है तो मेरा ध्यान जाता है, अरे तो विरोध का भाव है, ये मुझे स्वीकार नहीं है, तो फिर वहीं पे वो खत्म हो जाता है। नहीं तो पहले वो इतना चक्रव्यूह होता था कि वो जबरदस्त, मतलब मकड़ी के जाले की तरह इतना उलझा हो जाता था, फिर बॉडी पर तो उसका इफेक्ट आता ही है। तो जी ये हुआ, और जैसा रशपाल दीदी कह रही थी कि मेरा भी उस वक्त जब हैंड रेस था तो मेरा भी यही था कि किसी के साथ व्यवहार करते समय तो बहुत ध्यान जा रहा है कि हाँ ये मेरा संबंधी है, ये भी मेरी तरह मानव ही है, चाहे वो स्वीपर हो, माली भैया हो, कोई भी हो, तो उनके साथ कुछ भी चीज शेयरिंग होती है खाने पीने की, भाव को लेकर के, तो वो सब भी है। लेकिन हाँ, कब शिफ्ट हो जाती है कल्पनाशीलता, ये आपने एकदम सही एक कुछ बड़ी संभावनाएं जो हो रही हैं, तो वो संस्कार ऐसे पुराने हैं कि वो कब शिफ्ट हो जाती है ना, इतनी तेजी से शिफ्ट हो जाती है, जैसे कभी भी ऐसा एकदम से पूरे दिन में, कल मैंने देखा, ऑब्जर्व किया तो देखा मैं, हाँ अरे मैं प्रभाव में चली गई थी उस वक्त, तो मुझे उस वक्त प्रभाव में नहीं जाना चाहिए था, ये मेरा ध्यान बना। तो इस तरह भैया कब शिफ्ट हो जाते हैं, बहुत काम करना है अभी, कि वो शिफ्टिंग इतनी तेजी से होती है ना कि वो पता ही नहीं, मतलब पता नहीं लग पा रहा, मतलब इमेजिनेशन पे वो उस समय जो है ध्यान नहीं बना हुआ है, सजगता नहीं बनी हुई, इस करके ये हो रहा है। बस भैया मेरी यही शेयरिंग थी। हाँ, थैंक यू भैया। सही बात है, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो देखिए, निर्णय लेने की बात है, पहले मैं अवेयरनेस के साथ नहीं देख रहा था तो कुछ भी निर्णय हो जा रहा था। अब अवेयरनेस के साथ देख रहा हूँ तो मैं अपने देख पा रहा हूँ कि मेरे निर्णय से ही चीज़ें तय हो रही हैं, उन निर्णयों को मैं ठीक कर सकता हूँ, है ना। हाँ और जी काम भैया, बहुत करना है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उसको देखेंगे तो इस पूरे प्रोसेस में जितना जितना मेरा ध्यान जाता जाएगा और जितना जितना चीज़ों को मैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू होने दूंगा, उतना उतना मैं रिलैक्स भी फील करूंगा, है ना। तो हाँ काम जी, करना बहुत बिल्कुल ये बात भी ठीक है, और निरंतरता में ही बनाए रखना है। इसी शुभकामना के साथ हम लोग इस सेशन को थैंक यू आज भैया। रोक सकते हैं, और हम लोग का होमवर्क यही है कि हम लोग फिर से ध्यान दें और प्रोसेस पे ध्यान दें कि हम इस प्रोसेस को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो जितना हम प्रोसेस पे ध्यान देंगे उतना चीजें अनफोल्ड होने लगेंगी।